भिलाई निगम प्रशासन ने निदान 1100 में शहर से ऑनलाइन दर्ज बिजली, पानी, सड़क साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं का समय सीमा में निराकरण कर नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग की ग्रेडिंग में एक ग्रेड हासिल किया है। निगम प्रशासन ने निदान 1100 में ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने के बाद अधिकतम शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार शहर में निदान 1100 में माह अप्रैल से लेकर अब तक कुल 30,559 शिकायतें दर्ज हुई थी। इनमें 25,287 शिकायतों का निगम से समय सीमा में निराकरण कर दिया गया है तथा इसमें से 4,993 शिकायतों का भी निराकरण कर दिया गया। देखिए, अनाधिकृत विकास जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की जो दूसरे श्रेणी में जो आता है कि यह अवैध निर्माण न हो, इसके लिए जो है वो सर्वे निगम के अधिकारी करेंगे। दूसरा जो अनाधिकृत विकास है, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया होगा, उसका भी निरीक्षण जो है अधिकारी करेंगे, उनको नोटिस भी जारी करेंगे। लेकिन अनाधिकृत विकास के जो नियमितीकरण है, उसके लिए हम ये भी विकल्प अपना रहे हैं कि सभी जो जोन कार्यालय हैं वहाँ पे इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। इसके माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जो अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण है, उसके लिए आवेदन ले, उसके लिए हम उसको सहयोग प्रदान करें, ये भी व्यवस्था जो है निगम भिलाई के द्वारा की जा रही, ताकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के अवैध निर्माण कर लिया होगा या बिल्डिंग परमिशन लेकर के जो है उसके स्वरूप में परिवर्तन करके निर्माण किया होगा, ये उसके दायरे में आएंगे। इसकी तिथि को ध्यान रखना आवश्यक है कि 14 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2023 तक की अवधि में इसके लिए आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं नियमितीकरण के लिए। और अभी ये केवल अच्छा मौका मिल रहा है कि ये साल भर के लिए इसको जो है वो किया जा रहा है। तो जितने भी जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं जो इस दायरे में आते हैं, जो नियमों के दायरे में आते हैं, जो पात्रता श्रेणी में आते हैं, उसका नियमितीकरण होगा।